करण जौहर जो बॉलीवुड के राजा होते थे आज वो रंग बन गए हैं, उनका दिवाला निकल गया है, उनकी थू थू हो रही है, लोग उनको बद्दुआ दे रहे हैं। जिस आदमी ने सुशांत का सब कुछ छीन लिया, अब सुशांत की रूह उसका सब कुछ छीनेगी, कैसे जानेंगे आज। दोस्तों, बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर, जिन पे आए दिन इल्जाम लगता रहता है लोगों का करियर बर्बाद करने का, ये इल्जामों का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ, काफी टाइम से चलता आ रहा है। जैसे कि कंगना रनौत पिछले 10 साल से करण जौहर पर इल्जाम लगाती आ रही हैं, उनके करियर को बर्बाद करने वाला करण है, उनको सड़क पर लाने वाला करण है। करण जौहर ने बॉलीवुड माफिया से मिलकर कंगना को बॉलीवुड से आउटकास्ट करा दिया। ये कहानी कंगना रनौत के करियर को खत्म करने तक नहीं रुकी, ये सिलसिला चलता रहा और आगे चलकर काफी नामी गिरामी दिग्गज एक्टर्स एक्ट्रेस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, जो अपने करियर के पीक पर थी, उनको बॉलीवुड अपने करियर के पीक पर छोड़कर भागना पड़ा हॉलीवुड। उसका रीजन भी कोई और नहीं, करण जौहर ही था। और अनुष्का शर्मा, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस जिनका करियर बहुत जबरदस्त चल रहा था, लेकिन उनका करियर का ग्राफ भी गिरा सडनली, उसके पीछे भी करण जौहर का हाथ बताया जा रहा है। इसने हमारे भाई सुशांत को भी नहीं छोड़ा, उसका करियर बर्बाद कर दिया और उसकी मौत का कारण भी करण जौहर ही बना। लेकिन अब ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, जिसके चलते सारी सिंपथी सुशांत को मिल रही है। लोगों का गुस्सा करण की तरफ उमड़ रहा है, लोग करण को बददुआएं दे रहे हैं, करण का साम्राज्य खत्म हो रहा है, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। और करण जौहर की सारी फिल्म्स फ्लॉप हो रही हैं, जुग जुग जी और जियो, गहराइयां, गोविंदा नाम है मेरा, सेल्फी, और तो और उसकी सबसे बड़ी फिल्म, 600 करोड़ की सबसे बड़ी फिल्म ब्रह्मास्त्र भी फ्लॉप हो गई है। इस सब के बाद करण जौहर सड़क पर आ गया है, वो कंगाल हो गया है, कर्जे में गले तक डूबा हुआ है। करण जौहर की हालत ऐसी हो गई है कि उसका प्रोडक्शन हाउस कभी भी बंद हो सकता है, और इस सदमे को करण जौहर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और अपने विरोधियों के लिए कविता लिख रहा है, लगा लो इल्जाम, हम झुकने वालों में से नहीं है। इस पर कंगना रनौत ने करण जौहर की खिंचाई करते हुए कहा है, आज इनकी हिंदी देखकर ख्याल आया, अभी तो सिर्फ तुम्हारी हिंदी सुधारी है, आगे आगे देखो, समय के साथ तुम्हें भी सुधार देंगे। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती के माध्यम से रोडीज में हमें पता चला बॉलीवुड एक्ट्रेस के काले कारनामों का सच। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, होगा बड़ा खुलासा। दोस्तों, करण जौहर एक सेक्स एडिक्ट है, नए लड़कों को लॉन्च कर ये उनका गॉडफादर बनता है, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाकर उन्हें लॉन्च करने की कीमत वसूलता है। नई लड़कियों को लॉन्च कर इन लड़कियों को अपने बिजनेस के फायदे के लिए बड़े बड़े लोगों के पास भेजता है। करण जौहर के घर में जो पार्टीज होती हैं, वहां यंग मेल एक्ट्रेस को बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया जाता है, किसी को वो पसंद करता है और फिर अपने बेडरूम में ले जाकर अपनी सर्विस कराता है। और साथ साथ करण जौहर मूवी माफिया है, लोगों को बॉलीवुड में हैरेस करता है, कहता है बॉलीवुड मेरे बाप का है, इस बॉलीवुड में वो रहेगा जिसको मैं चाहूंगा, जिसको मैं नहीं चाहूंगा उसको बॉलीवुड में मैं काम नहीं करने दूंगा। करण जौहर जैसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो आगे चलकर किसी को भी हैरेस ना करे। करण जौहर के बाप का बॉलीवुड नहीं है कि वो जिसको चाहेगा बॉलीवुड में काम करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे आने वाला है रिया चक्रवर्ती द्वारा बॉलीवुड एक्ट्रेस का कड़वा सच, पर उससे पहले तीनों खानों ने हमारे सुशांत को बर्बाद किया था, आज सुशांत की रूह तीनों खान को बर्बाद कर रही है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की वीडियो को जरूर देखना, लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। और सलमान, शाहरुख, आमिर खान, सुशांत की वीडियो के साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती रोडीज में आ रही है, जिसको यूथ बहुत पसंद करता है, वहां ये यूथ आइकन गैंग लीडर बनकर आ रही है। जिस इंसान की लाइफ में कोई मॉरल्स नहीं है, जिस औरत के ऊपर मौत का इल्जाम लगा हुआ है, जिसने दूसरे व्यक्ति की दौलत हड़पी है, क्या मोटिवेट करेगी ये यूथ को? ये तो खुद चरित्रहीन लड़की है, ये सिखाएगी अपने बॉयफ्रेंड को कैसे लूटा जाए, बॉयफ्रेंड को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, कैसे सच्चे प्यार की मौत की जाए, कैसे मर्डर किया जाए। और रोडीज में आकर कह रही है, आपको क्या लगा मैं वापस नहीं आऊंगी, डर जाऊंगी, डरने की बारी किसी और की। और दोस्तों, इसी के थोड़ी देर बाद प्रियंका दीदी, जो सुशांत सर की सिस्टर हैं, उनका ट्वीट आया, तुम क्यों डरोगी, तुम तो प्रोस्टिट्यूट हो, तुम किनके साथ सोती हो, कौन वो बड़े बड़े लोग हैं ये बताओ हमें।
दोस्तों, रिया को देखकर डाउट होता है कि बॉलीवुड में रिया जैसी बहुत सारी एक्ट्रेस बिना काम के आलीशान जिंदगी कैसे जी रही हैं। बॉलीवुड में ऐसा क्या है कि यहाँ काम भी ना करो और पैसों का ढेर लग जाता है। इन सभी एक्ट्रेस को ये पता होता है सिर्फ एक्टिंग से आलीशान जिंदगी नहीं जी सकते, इंडस्ट्री में पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। काम ना मिलने पर लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए ये लाइफ में समझौता करती हैं, शॉर्टकट यूज करती हैं। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना बॉलीवुड एक्ट्रेस बिना काम किए आलीशान जिंदगी कैसे जी रही हैं। वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, मुझे सपोर्ट करें। एंड स्क्रीन में सारी वीडियोस सुशांत की डाल दी हैं, जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया है। आप भी उनको बहुत प्यार दें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। इसके साथ साथ सुशांत की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।